हम पढ़ रहे हैं मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। मैंने आपको बोला था कि इसको हम लोग तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे, मेल एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है अबाउट मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम। मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंट एसेसरी डक्ट्स हैं, ये मेनली मैचुरेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म में क्या कर रही होंगी, टेक पार्ट कर रही होंगी। उसी लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनाइल सॉफ्ट या पेनिस के अबाउट। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे अबाउट मेल एसेसरी ग्लैंड्स। हम लोग इनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, सिक्रीशंस को देखेंगे, और ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है एसेसरी ग्लैंड्स के, इनके क्या इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शंस हैं, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात रिवाइज कराऊं क्लास 11th की। जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था, जब मैंने आपको ब्लड का कॉम्पोजिशन बताया था, तो कभी ना कभी मैंने आपको यह भी बताया होगा कि ब्लड में मेनली दो कॉम्पोनेंट्स होंगे। पहले कॉम्पोनेंट को हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। और दूसरे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। इसको हम लोग बोल रहे थे क्या, प्लाज्मा। इन द सेम वे अगर मैं सीमेन के कॉम्पोजिशन की बात करूं, तो सीमेन में भी यही दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन होंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स और दूसरा क्या होगा, प्लाज्मा। स्पेसिफिकली प्लाज्मा को यहां पे मैं बोल रहा हूं सेमिनल प्लाज्मा। यहां पे प्लाज्मा को मैं बोल रहा हूं सेमिनल प्लाज्मा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सेल्स आएंगी, इसमें कुछ फ्लूइड्स आएंगे। तो यहां पे जो सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, स्पर्म सेल, या फिर इनको हम बोल सकते हैं स्पर्म्स। प्लीज डोंट फॉरगेट द इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सीमेन। ये क्या है, स्पर्म, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेल गैमेट्स। और ये जो स्पर्म है, ये रिलीज कहां से हो रहे होंगे, मेल गोनेड से, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्टिस, या अगर एक होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे टेस्टिस। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, इसको कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, और उन्हीं ग्लैंड्स को मैं बोल रहा हूं एसेसरी ग्लैंड्स। और एसेसरी ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली या मेनली तीन टाइप्स की होंगी, अगर हम क्लास 12 के लेवल पे बात कर रहे हैं तो। पहला सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। और यहां पे चौथे टाइप की भी ग्लैंड हो सकती है, जिसको हम लोग बोल रहे थे ग्लैंड्स ऑफ लेटर, राइट एट द आउटसेट। लेकिन मैंने आपको बताया होगा कि हम क्लास 12 के लेवल पे ये जो फोर्थ टाइप की ग्लैंड्स हैं, जिनको हम ग्लैंड्स ऑफ लेटर बोल रहे हैं, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो तीन मेजर मेल एसेसरी ग्लैंड्स हो गई हमारे पास, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, या फिर इनको हम बोल रहे हैं कॉपर्स ग्लैंड। तो अभी तक आपको एक बेसिक बात समझ में आ गई होगी कि ब्लड की तरह सीमेन में भी दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट जिसको हम बोल रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें सेल्स आएंगी, और इंपॉर्टेंट सेल की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या है, स्पर्म सेल या फिर स्पर्म। और फिर मैंने आपको बताया कि दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका, प्लाज्मा, या जिसको हम लोग स्पेसिफिकली बोल रहे हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा को जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है वो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, और उन्हीं ग्लैंड्स को हम लोग बोल रहे हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स। और मेजर टाइप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका टाइप होगा तीन ह्यूमन मेल बॉडी में, कौन कौन सा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इनको हम बोलेंगे कॉपर्स ग्लैंड। लेकिन एक चौथे टाइप की भी बहुत ग्लैंड्स हो सकती हैं, जिनको हम लोग बोल रहे हैं ग्लैंड्स ऑफ लेटर। तो मैं इसको स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट टास्क बता देता हूं, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नई जनरेशन ऑफटेन करना। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नई जनरेशन ऑफटेन कर रहे हैं, तो जायगोट का बनना जरूरी है, और जायगोट बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो हमारे पास एक फीमेल गैमेट अगर है, तो इस पर मेल गैमेट अगर है, तो ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे, जायगोट बन जाएगा, जायगोट से हम नई प्रोजेनी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इंसेमिनेशन
विच इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म और सीमेन इन टू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट, ये एक टाइप का क्या है, गैमीट ट्रांसफर है। और मैंने आपको बोला था कि अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो गैमीट में केवल स्पर्म ट्रांसफर नहीं किया जाता है एट द टाइम ऑफ गैमीट ट्रांसफर और इंसेमिनेशन, सीमेन के साथ साथ देयर आर सम सॉर्ट ऑफ सिक्रीशंस एज वेल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। एंड सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म सेल्स, ये जो एग्रीगेट बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीमेन बोल रहे हैं। तो हमें तो मेनली किससे मतलब होना चाहिए, स्पर्म से, क्योंकि ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट हमारे पास ऑलरेडी है फैलोपियन ट्यूब में, तो मेल गैमेट वहां पे जाकर के अगर फर्टिलाइज कर देगा तो जायगोट बन जाएगा, जायगोट से नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पर्म कर सकते हैं। लेकिन स्पर्म के साथ साथ इस फ्लूइड का यानी इस सेमिनल प्लाज्मा का क्या इंपॉर्टेंट टास्क है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, तो पहले मैं इस बात को आपको समझा देता हूं कि इसका इंपॉर्टेंट टास्क है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि स्पर्म के साथ साथ सेमिनल प्लाज्मा को भी रिलीज या डिपॉजिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ गैमेट ट्रांसफर इन टू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट। तो एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो इन्वायरमेंट है फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट का, ये क्या है, एसिडिक है। बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से समझिए छोटे छोटे एग्जाम्पल या बातों को। मैंने आपको बताया कि जो फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट का इन्वायरमेंट है ये एसिडिक है, ज्यादातर सिक्रीशंस ह्यूमन फीमेल वजाइना के क्या है, एसिडिक है। और मैंने आपको क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में बैक्टीरिया वाले सेक्शन में ये बात बताया होगा कि कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज भी प्रेजेंट होती है ह्यूमन फीमेल वजाइना के अंदर, जैसे कि हम बात करें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या फिर डॉडोलिनस बैसिलाई वगैरह, तो ये सारी बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होती है जो कि वजाइना में प्रेजेंट ग्लाइकोजन को ये एनएरोबिकली ब्रेक कर देती हैं और कन्वर्ट करती रहती हैं किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इन सब कारणों की वजह से जो फीमेल वजाइना का मिल्यू है ये क्या है, एसिडिक है, ये क्या है, एसिडिक है। और जो स्पर्म है, जो स्पर्म सेल्स हैं, ये जो मेल गैमेट स्पर्म जिसको हम बोल रहे हैं, इनकी मॉर्टेलिटी एसिडिक मीडियम में बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा है। मतलब कि एसिडिक मीडियम में स्पर्म बहुत ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं या नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, इनकी मॉर्टेलिटी क्या है एसिडिक मीडियम में स्पर्म की बहुत ज्यादा है। तो गैमेट ट्रांसफर के टाइम पे स्पर्म को डिपॉजिट करना है किसमें, फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट या वजाइना में, और वहां का मिल्यू कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि ज्यादातर सिक्रीशंस कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वहां का मिल्यू क्या बना रही है, इन्वायरमेंट क्या बना रही है, एसिडिक, और वहां पर हमको स्पर्म को डिपॉजिट करना है। तो आप चाहेंगे कि स्पर्म के साथ साथ यहाँ पे कुछ फ्लूइड आए, एंड दैट फ्लूइड शुड कंटेन सम सॉर्ट ऑफ एल्कली जो कि एसिडिक मीडियम को वजाइना के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे, न्यूट्रलाइज करे, जिसकी वजह से स्पर्म की लॉन्जिविटी क्या हो, ज्यादा हो। तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि फीमेल वजाइना का जो मिल्यू है ये एसिडिक है, और एसिडिक मीडियम में स्पर्म की मॉर्टेलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो स्पर्म के साथ साथ कुछ फ्लूइड भी डिपॉजिट करने होंगे एट द टाइम ऑफ गैमेट ट्रांसफर, और उस फ्लूइड में कुछ एल्कलाइन मटेरियल या एल्कलाइन सब्सटेंस होने चाहिए जो कि वहां के मीडियम को क्या करें, न्यूट्रलाइज करें, ताकि स्पर्म की लॉन्जिविटी को हम क्या कर सकें, और ज्यादा इन्हांस कर सकें या बढ़ा सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए, अभी ये जो स्पर्म डिपॉजिट किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट, इसको वहां से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इसको वहां से कोई किसी भी तरीके का क्या नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो स्पर्म को अपना न्यूट्रिशन खुद लेकर के जाना पड़ेगा फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में, और स्पर्म हमेशा अपना न्यूट्रिशन लेता है फ्रक्टोज से। तो उस फ्लूइड में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ फ्रक्टोज भी होना चाहिए जो कि नरिश करे फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में किसको, स्पर्म के, उसकी लॉन्जिविटी के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए, पर इजेकुलेट अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मेल फिजियोलॉजी के कंटेक्स्ट में, तो ह्यूमन मेल में पर इजेकुलेट तकरीबन 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, पर इजेकुलेट में बात कर रहा हूं, 2 से लेकर के 6 ml इजेकुलेट या सीमेन डिस्चार्ज किया जाता है पर इजेकुलेट। एवरेज हम 3.5 ml मान लेते हैं, 3.5 ml में अबाउट 100 to 120 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। हम फर्टिलिटी पे जब बात करेंगे अगले लेक्चर में तो इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर हम ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन मेल की बात अगर कर रहे हैं, तो पर इजेकुलेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या करता है, इजेकुलेट करेगा, पर इजेकुलेट ह्यूमन मेल ह्यूमन। तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म, छोटे छोटे सेल्स जो हैं, ये अगर डिपॉजिट की जा रही हैं किसमें, फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में, तो एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन जब पेनिस विड्रॉल होगा तो उस टाइम पे इनर्सिया के कारण बाहर आ सकते हैं ये स्पर्म, या फिर यूटरस के डिफरेंट मूवमेंट के कारण भी जो स्पर्म छोटे छोटे डिपॉजिट किए गए हैं फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट या वजाइना में, ये कहाँ आ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। तो पेनिस विड्रॉल के टाइम पे इनर्सिया के कारण या फिर यूटरस के मूवमेंट के कारण जो डिपॉजिट किए गए स्पर्म हैं फीमेल वजाइना या जेनेटल ट्रैक्ट में, ये नीचे गिर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं।
तो आप ये चाहेंगे कि जो फ्लूइड वहां पे डिपॉजिट किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो, इसकी विस्कोसिटी क्या हो थोड़ी सी ज्यादा हो, ये एक क्लॉट या कह सकते हैं कॉगुलम के जैसा हो जो कि डिपॉजिट की तरह जाकर के वहां पे कुछ देर रह सके। तो इस बात को आप धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि स्पर्म का नंबर पर इजेकुलेट क्या है, 200 से 300 मिलियन, बहुत सारे स्पर्म छोटे छोटे हैं, और इसको हम फीमेल वजाइना में क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर तो अगर फीमेल वजाइना में इसको डिपॉजिट किया जा रहा है और बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स हैं और इसको फ्लूइड में क्या किया जा रहा है, डिपॉजिट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, तो आप ये चाहेंगे कि ये फ्लूइड जो है ये क्लॉट के जैसा हो, एक कॉगुलम के जैसा हो, यानी वहां पे डिपॉजिट की तरह कुछ देर तक ये क्या कर सके, रुक सके, स्टे कर सके। और थोड़ी ही देर के बाद आपको ये पता चलेगा कि इन स्पर्म्स को पहुंचना होगा कहां पे, अप टू द फीमेल गैमेट, इनको फीमेल गैमेट तक पहुंचना होगा, यानी कि फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होगा। तो ये जो कॉगुलम या क्लॉट है इसको डिसॉल्व भी करना है थोड़ी देर के बाद। पहले तो क्लॉट बनाना है, कॉगुलम बनाना है, ताकि ये स्लिप ऑफ ना हो जाए इनर्शिया के कारण और फिर यूट्रस के मूवमेंट के कारण। दूसरी चीज, थोड़ी देर के बाद इस क्लॉट या कॉगुलम को डिसॉल्व करना है, इसको फ्लूडाइज करना है। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स या फैक्टर्स भी होने चाहिए जो इनको क्लॉट बनाए, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ी देर के बाद उस क्लॉट को फ्लूडाइज करें, यानी कि इसकी फ्लूडिडिटी को क्या कर सके, ऑगमेंट कर सके, जिससे कि स्पर्म की मोर्टेलिटी को क्या किया जा सकेगा, ऑगमेंट किया जा सकेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से, मुझे लग रहा है, समझ पा रहे होंगे। और चौथी इंपॉर्टेंट बात आप समझिए इसको, आप अगर आपको इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो इस फोर्थ पॉइंट को मुझे आपको समझाने में थोड़ा आसानी होगी कि जो हमारी बॉडी है, जो लिविंग बॉडी है, ये सेल्फ सस्टेनिंग है। हमारी बॉडी किसी भी तरह के फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन पार्टिकल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन सेल्स आ रही है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसको रिकॉग्नाइज करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। जो मैक्रोफेजेस हैं उनको क्या कर लेंगे, फैगोसाइटाइज कर लेंगे। तो अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि ह्यूमन मेल स्पर्म फीमेल के रिस्पेक्ट में एक फॉरेन सेल हो गई, जो स्पर्म है ये फीमेल बॉडी में क्या है, एक तरीके की फॉरेन सेल है, तो इसका मतलब फीमेल के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इस सेल को रिकॉग्नाइज करेगी और क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, इसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्पर्म यहां पे सर्वाइव करे और पहुंचे फीमेल गैमेट तक, उसको फर्टिलाइज करे। तो मुझे कुछ ऐसे केमिकल भी स्पर्म के साथ भेजने पड़ेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी स्पर्म सेल्स के साथ भेजने पड़ेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक में, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक के लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेस को क्या कर सके, सप्रेस कर सके, ताकि फीमेल की बॉडी जो ये फॉरेन सेल्स की तरह बिहेव कर रहे स्पर्म्स हैं, इनको क्या ना करे, रिजेक्ट ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। ये सारे जो ये अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं, ये जो पूरे अलग अलग तरीके के काम हैं, इन सारे कामों की जिम्मेदारी, इन सारे फंक्शंस की जिम्मेदारी किसके पास होती है, सेमिनल प्लाज्मा के पास। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केवल स्पर्म अगर हम भेज देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वहां का मीडियम कैसा है, एसिडिक है फीमेल जेनिटल ट्रैक का, और एसिडिक मीडियम में सर्वाइवल स्पर्म का क्या है, बहुत कम है, बहुत लो है, इसकी मॉर्टेलिटी क्या है, बहुत हाई है। दूसरी चीज, कोई भी न्यूट्रिशन वहां पे नहीं मिलेगा, स्पर्म को अपना न्यूट्रिशन लेके जाना पड़ेगा। तीसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये फॉरेन सेल हो सकती है, किसके लिए हो, क्या सकती है भी किसके लिए, फीमेल बॉडी के लिए, तो फीमेल बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको क्या कर देगा, रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये ढेर सारी जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इसको अवॉइड किया जा सके, इसलिए ह्यूमन मेल जो है स्पर्म के साथ साथ कुछ फ्लूइड या प्लाज्मा भी डिपॉजिट करता है एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन या गैमेट ट्रांसफर। और उन्हीं फ्लूइड को, उन्हीं प्लाज्मा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और जो ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सेमिनल प्लाज्मा को, उसको हम लोग बोल रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स। और एसेसरी ग्लैंड्स हम लोग जो अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो कितनी तरह की हैं, तीन तरह की, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने आपको बताया कि एक और तरीके की ग्लैंड्स हो सकती हैं जिसको हम ग्लैंड्स ऑफ लिटर बोल रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे इसको बहुत ज्यादा डिटेल में। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, बेसिक बातें, तो मैं आपको एक एक ग्लैंड के कॉन्ट्रीब्यूशन, सिक्रीशंस और उनके इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शन को बताता जा रहा हूं। आप उसको समझते जाइएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल किस ग्लैंड से रिलीज होंगे और उनका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है फीमेल जेनिटल ट्रैक में, जो कि फैसिलिटेट करेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को। हम ये आपसे कह रहे हैं कि पहली जो ग्लैंड है, जो सबसे सबसे पहली ग्लैंड है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेमिनल वेसिकल। इसको हम लोग बोल रहे हैं सेमिनल वेसिकल्स। पहली चीज तो आप जान लीजिए कि सेमिनल वेसिकल जो है ये एक पेयर्ड ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड है, यानी कि इनका नंबर कितना होगा, दो। और
कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल आर मैक्सिमम। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या है, सेमिनल वेसिकल का तीनों ग्लैंड्स में मैक्सिमम है एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 60-70% ऑफ होल स्पर्म कॉम्पोजिशन। और सेमिनल वेसिकल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो सिक्रीशन है, इट शुड कंटेन फ्रक्टोज। इस पे क्या होना चाहिए, फ्रक्टोज होना चाहिए। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको मैं बता दूं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये फ्रक्टोज फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में स्पर्म को क्या करेगा, नरिश करेगा, क्योंकि स्पर्म अगर एक बार सर्टोली सेल से अपने हेड को डिटैच कर लिया तो अब इसको रास्ते में कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं मिलेगा जहां से इसको न्यूट्रिशन मिल सके। तो इसमें रास्ते में कुछ फ्लूइड सिक्रीट कर दिए जाएंगे इसके साथ साथ, जिसमें क्या होंगे, फ्रक्टोज होंगे। और ये फ्रक्टोज जो है, इनसे नरिशमेंट लेता रहेगा स्पर्म फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट तक, जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। और ये फ्रक्टोज जो है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है सेमिनल प्लाज्मा में, सेमिनल वेसिकल। फ्रक्टोज का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आप सुनिए, फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट या फीमेल वेजाइना में फ्रक्टोज नहीं प्रेजेंट होता है यूजुअली, वहां पे प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड मटेरियल के फॉर्म में। लेकिन अगर कभी कभी जो केसेस आ जाते हैं गैंग रेप या रेप के, तो किसी भी, अगर किसी भी लेडी या किसी भी बच्चे के साथ अगर रेप हुआ है, तो जो फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट होती है वो उसके वेजाइनल फ्लूइड में फ्रक्टोज की प्रेजेंस को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अगर फ्रक्टोज है तो ये बात मानी जाती है कि इसके साथ जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, और अगर नहीं है तो इस बात का प्रूफ है कि यूजुअली फ्रक्टोज फीमेल वेजाइना में नहीं होते हैं। तो अगर प्रेजेंस नहीं है तो इस बात को मान लिया जाता है कि कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट इसके साथ नहीं हुआ है। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को फ्रक्टोज के समझ में आ गए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि इसमें एक और केमिकल प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये एक मॉडिफाइड फैटी एसिड है। बायोमोलिक्यूल में मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 11th में, ये क्या है, एक मॉडिफाइड फैटी एसिड है जो कि लोकल हार्मोन की तरह एक्ट करेगी इन द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि वहां के जो फीमेल बॉडी है, ये फीमेल बॉडी के लिए जो स्पर्म सेल्स हैं, ये क्या है, एक फॉरेन सेल्स है। तो फीमेल बॉडी का इम्यून सिस्टम स्पर्म को रिकॉग्नाइज करके इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसको रिजेक्ट ना कर दे, इसके लिए जो सीमेन है या जो फ्लूइड है सेमिनल प्लाज्मा जिसको बोल रहे हैं, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होंगे जो कि लोकल हार्मोन की तरह एक्ट करेंगे। उस लोकलाइज्ड रीजन के इम्यून रिस्पॉन्सेस को क्या करेंगे, ये सप्रेस करेंगे। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन एक मॉडिफाइड फैटी एसिड है जो कि लोकल हार्मोन की तरह एक्ट करेगी, इम्यूनोसफरेंट की तरह एक्ट करेगी, जो कि लोकलाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस को इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट सप्रेस करेगी, ताकि फीमेल इम्यून सिस्टम, फीमेल बॉडी का इम्यून सिस्टम इन स्पर्म सेल्स को फॉरेन सेल्स समझ करके रिजेक्ट या डिस्ट्रॉय ना कर दे। और ये आएंगे कहां से, सेमिनल वेसिकल से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि पहला तो ये हो गया, दूसरा केमिकल ये प्रेजेंट होगा, तीसरा इंपॉर्टेंट केमिकल समझिए, इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होंगे बाइकार्बोनेट आयंस, इसमें प्रेजेंट होंगे बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस जो है इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, मैंने आपको बताया था कि जो यूरेथ्रा है इसको हम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें यूरेथ्रा में यूरिन भी और सीमेन भी एक साथ क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। तो एक ही पैसेज है इन केस ऑफ ह्यूमन मेल फिजियोलॉजी, अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन मेल बॉडी में एक ही पैसेज है जिसके थ्रू यूरिन भी पास हो रहा है और सीमेन भी पास हो रहा है अलग अलग टाइम पे, इसलिए इसको हम यूरेथ्रा को क्या बोल रहे हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। और यूरिन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो अगर यूरिन पास हो रहा है तो यूरेथ्रा को क्या बना देगा, पैसेज को क्या बना देगा, ये एसिडिक बना देगा। लेकिन सीमेन कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, क्योंकि इसको जाकर के एसिडिक मिल्यू को फीमेल वजाइना में जो है उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो यूरेथ्रा के जो का जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करेगा बाइकार्बोनेट आयन, और इसको कौन सिंथेसाइज कर रहा है, सेमिनल वेसिकल। यानी अब हम समझ पा रहे होंगे कि सेमिनल वेसिकल के जो कॉन्ट्रीब्यूशन या सिक्रीशंस है, जो फ्लूइड है, उनका नेचर कैसा होगा, एल्केलाइन। नेचर कैसा होगा, एल्केलाइन। और 7.4 के अराउंड क्या होता है, इसका पीएच होता है, आपको याद नहीं रखना है। और इसके साथ साथ कैल्शियम आयन भी होंगे, इसके साथ साथ फॉस्फेट आयन भी होंगे। तो ये सारे आयन्स, स्पेसिफिकली कैल्शियम आयन जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर या केमिकल अभी हम देखेंगे जिसके साथ मिल करके ये फ्लूडाइज करता है किसको, कॉगुलम या क्लॉट को।
तो बेसिकली आप ये समझ पा रहे होंगे कि सेमिनल प्लाज्मा जो है इसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, इसका कंट्रीब्यूशन 60-70% है टोटल सीमेन कॉम्पोजिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो, और इसके सिक्रीशंस जो है इसमें ये इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होंगे फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन, और इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। और जो पूरा का पूरा फ्लूइड डिस्चार्ज या सिक्रीट किया जा रहा है सेमिनल वेसिकल से, इसका नेचर कैसा होगा? इट शुड बी एल्केलाइन। कैसा होना चाहिए? एल्केलाइन, क्योंकि इसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है फीमेल जेनिटल ट्रैक का या वेजाइना का जो एसिडिक मिलियू है उसको। और दूसरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड की अगर हम बात करें, एसेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, तो सेकेंड टाइप की ग्लैंड जो है इसको मैं बोल रहा हूं प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको बता दूं कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड होगी अनपेयर्ड, यानी इसका नंबर कितना होगा? सिंगल। यानी मैं कह रहा हूं कि ये ग्लैंड कैसी है? अनपेयर्ड ग्लैंड है। और इसके दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आप ध्यान में रखेंगे, बस ज्यादा नहीं, जो मेन है वही मैं बता रहा हूं आपको। एक तो ये कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करेगा जो कि कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के क्लॉट बनाएंगे। कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे? ये क्लॉट बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि ये कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, एंजाइम कैल्शियम आयन के साथ साथ मिलकर के क्या करेंगे, वो जो फ्लूइड डिपॉजिट कर रहे हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या वेजाइना में जिसमें स्पर्म है, उसको क्लॉट के फॉर्म में या कॉगुलम के फॉर्म में क्या कर देंगे, ये डिपॉजिट कर देंगे ताकि वहां पे स्लिप ऑफ ना हो सके नीचे की तरफ। दूसरी तरफ यही प्रोस्टेट ग्लैंड ही वो फैक्टर भी सिक्रीट करेंगे जो इस फ्लूइड को क्या करेगा, फ्लूडाइज करेगा, या ये जो क्लॉट या कॉगुलम है इसको क्या करेगा, फ्लूडाइज करेगा, इसको डिसॉल्व करेगा ताकि ताकि जो मोटिलिटी है स्पर्म की उसको ऑगमेंट किया जा सके। और जो फ्लूड को या क्लॉट को या कॉगुलम को डिसॉल्व करेगा, फ्लूडाइज करेगा, उसको मैं बोल रहा हूं फिब्रिनोलाइसिन। एक्चुअली फिब्रिनोलाइसिन जो है ये प्रोफिब्रिनोलाइसिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है सीमेन में जब क्लॉट बना रहता है, कॉगुलम बना रहता है, बाद में ये 15 से 20 मिनट में फिब्रिनोलाइसिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फिब्रिनोलाइसिन जो है वो कॉगुलम या क्लॉट को क्या करेगा, फ्लूडाइज करेगा, जिसकी वजह से मोटिलिटी ऑगमेंट होगी, इसकी स्पर्म की मोटिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी सी क्या, इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगी। विग्रस मोटिलिटी प्रेजेंट होती है स्पर्म में, हम बात करेंगे फर्टिलिटी के लिए जब बात करेंगे तो ये दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे किसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के सिक्रीशन में। पहला तो वो एंजाइम और कैल्शियम सिक्रीट करेंगे जो क्लॉट या कॉगुलम बनाएंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक में। दूसरी चीज ये प्रोफिब्रिनोलाइसिन उसमें छोड़ेगा, और प्रोफिब्रिनोलाइसिन जो है ये फिब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा और उस क्लॉट या कॉगुलम को क्या करेगा, फ्लूडाइज करेगा, क्या करेगा, फ्लूडाइज करेगा, जिससे कि स्पर्म की मोटिलिटी ऑगमेंट होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है मैंने आपको बताया कि ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स मेनली प्रोवाइड्स म्यूकस, ये प्रोवाइड करेंगे म्यूकस, एंड द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ म्यूकस इज इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। तो क्वाइटस या कॉपुलेशन के टाइम पे, गैमेट ट्रांसफर के टाइम पे पेनिस या पेनाइल सॉफ्ट को क्या करेगा, ये लुब्रिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ म्यूकस सिक्रीशन, जिससे कि क्या हो सके, इजी कॉपुलेट हो सके, इजी गैमेट ट्रांसफर हो सके इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये क्या है, म्यूकस सिक्रीशन है। तो बेसिक आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी क्या, सेमिनल वेसिकल, और इसकी कंट्रीब्यूशन को याद रखना है 60-70% होगा, और क्या क्या सिक्रीट करेगी ये सेमिनल प्लाज्मा में, ये भी हमको ध्यान रखना है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होगा अबाउट 20-25% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसका, और सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूट करती है कौन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, केवल और केवल जो हमें याद रखना है ये क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, म्यूकस, और इसका फंक्शन भी मैंने आपको बताया। तो ये बेसिक बातें थी जो हमें समझ में आई कि जो सेमिनल प्लाज्मा है अलोंग विद द स्पर्म, इसका क्या इंपॉर्टेंट टास्क है। तो डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स सिक्रीट करती हैं, केमिकल सिक्रीट करती हैं, जो अपने अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और फैसिलिटेट करते हैं चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन को। और ये जो डिफरेंट सिक्रीशंस हैं
जो डिफरेंट सिक्रीशंस हैं अलग अलग एसेसरी ग्लैंड्स के, अगर इनको हम ऐड कर दे रहे हैं अलोंग विद द स्पर्म सेल्स और स्पर्म, तो जो एग्रीगेट बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीमेन या फिर इजैकुलेट। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पर इजैकुलेट ह्यूमन मेल अबाउट 2 to 6 ml इजैकुलेट या सीमेन डिस्चार्ज करता है, एवरेज अगर हम बात करेंगे तो 3.5, जिसमें कि पर ml अगर हम स्पर्म काउंट अगर देखेंगे तो लगभग 100 to 120 स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए पर ml ऑफ इजैकुलेट और सीमेन। तो इतनी बात आप समझ लीजिए, ये तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, चौथी ग्लैंड को आपको नहीं याद रखना है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, जो प्रोस्टेट जो चौथी टाइप की ग्लैंड थी जिसको हम लोग ग्लैंड्स ऑफ पिटर बोल रहे थे वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बेसिकली हमको तीन टाइप की ग्लैंड्स याद रखनी है जिसमें एसेसरी ग्लैंड्स में, मेल एसेसरी ग्लैंड्स में, पहला सेमिनल वेसिकल जो पेयर्ड होगी दो होंगी नंबर में, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अनपेयर्ड होगी एक होगी नंबर में, तीसरा बल्बो यूरेथ्रल कॉपर्स ग्लैंड जो कि क्या होंगी, पेयर्ड होंगी। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे सेमिनल प्लाज्मा में ये 60 to 70%, दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेजर किसका होगा 20 to 25% प्रोस्टेट ग्लैंड का, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होगा वल्वो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड का, और इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन या कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा, और सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म सेल्स इस एग्रीगेट को हम क्या बोलेंगे, सीमेन या इजैकुलेट। हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में इसको थोड़ा सा और डिटेल में।